प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाले 9 साल में देश ने विकास के नए नए आयाम को छुआ है। आजादी के 75 साल बाद जहां हमने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया, साथ ही ये भी देखा कि पिछले 9 साल में अपना देश नए भारत की दिशा में आगे बढ़ा है। प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व और केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी का कुशल प्रबंधन इस बात को सुनिश्चित करता है नए भारत की नींव कितनी मजबूत रखी जा रही है। प्रगति की दौड़ लगाते देश को देखकर हर भारतीय को गर्व है। अब एक और ऐसी सौगात देशवासियों को मिलने जा रही है जिससे हर भारतीय का सिर फख्र से और ऊंचा हो जाएगा, क्योंकि अब पंजाब के अमृतसर में अटारी बॉर्डर पर हर भारतीय जल्द ही गर्व से गा सकेगा कि झंडा ऊंचा रहे हमारा। गडकरी जी के नेतृत्व में NHAI की मंजूरी के बाद अमृतसर के अटारी बॉर्डर पर अब 418 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया जाएगा, जिसका उद्घाटन खुद केंद्रीय मंत्री गडकरी जी करने जा रहे हैं। हर साल लाखों की संख्या में देशवासी अमृतसर के अटारी बॉर्डर आते हैं। अटारी बॉर्डर के जोशीले माहौल में जब भारतवासी देश का सबसे ऊंचा तिरंगा देखेंगे तो उनका जोश कई गुना बढ़ जाएगा। इस झंडे को तैयार करने में IIT मद्रास ने भी अहम भूमिका निभाई है। 418 फीट ऊंचे इस झंडे में कुल 14 सेक्शन हैं। झंडे के सबसे ऊपरी हिस्से पर देश का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ भी लगाया गया है। केंद्र की मोदी सरकार के लिए गए फैसलों से न सिर्फ देशवासियों को गर्व होगा बल्कि विकास कार्यों में आई रफ्तार से भी मन प्रफुल्लित हो उठेगा। इस नई पहल के साथ ही साथ नितिन गडकरी जी ने पिछले 9 सालों में देश के सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर में बदल दिया है। पंजाब समेत पूरे उत्तर भारत को इसका काफी फायदा हुआ है। पंजाब में पिछले 3 सालों में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की NH परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इनमें से कई पूरी होने वाली भी हैं। दिल्ली कटरा एक्सप्रेस, लुधियाना खरार एक्सप्रेस, लुधियाना भटिंडा एक्सप्रेस, भटिंडा अमृतसर एक्सप्रेस, जालंधर बाईपास, इनमें से कुछ अहम ग्रीन फील्ड कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स हैं। अमृतसर की बात करें तो ऐसा ही खास प्रोजेक्ट है 4 लेन वाला अमृतसर बाईपास, जो अमृतसर तहसील 2 के गांव राख झिटका के पास तरन तारण रोड से होता हुआ अमृतसर एयरपोर्ट के पास अजनाला तहसील तक जाता है। करीब 50 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट ट्रैफिक की समस्या को सुलझाने में कारगर साबित होगा। इसके साथ ही ये प्रोजेक्ट अमृतसर की कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन और शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतरीन करेगा। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे से लगता हुआ ही एक्सेस कंट्रोल्ड सेक्शन अमृतसर स्पर NE05A काफी महत्वपूर्ण है। इसकी कुल लंबाई 99 किलोमीटर है। आज माननीय मंत्री जी खुद दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे के अमृतसर स्पर की परियोजनाओं का निरीक्षण करने आए हैं। दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे, धार्मिक स्थल स्वर्ण मंदिर, अमृतसर बाईपास और अमृतसर रामदास परियोजना को जोड़ता है। पर्यटन के अलावा ये प्रोजेक्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ और इंपोर्ट एक्सपोर्ट को भी बढ़ाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और नितिन गडकरी जी के भागीरथी प्रयासों से तैयार हो रहे ये प्रोजेक्ट बताते हैं कि देश की सत्ता में बैठी हुई सरकार अपने वचन संकल्प से सिद्धि पर कैसे दृढ़ता से आगे बढ़ रही है।